हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पॉलकाडॉट इकोसिस्टम में डाउज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर पर डिस्कशन करेंगे और डाउज का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इनोवेटिव वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट होता है, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डाउज क्या होते हैं। जैसा कि हमने पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि डाओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रन किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के थ्रू, बजाय कि एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी या अथॉरिटीज को कंट्रोल करे। अब क्या हो अगर इस कंसेप्ट को पॉलकाडॉट पर लाया जाए, जो कि एक यूनिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसको डिजाइन किया गया है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी लाने के लिए, जिसका मतलब है कि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पॉलकाडॉट का आर्किटेक्चर अलाउ करता है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के बीच डेटा और एसेट्स को एक्सचेंज करना, जो कि इसे एक कंप्लीट इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम बनाता है। अब सवाल ये आता है कि डाओज को पॉलकाडॉट नेटवर्क से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। डाओज जो पॉलकाडॉट पर होंगे वे इस इंटरऑपरेबिलिटी फीचर से बेनिफिट लेते हुए बहुत से रिसोर्सेज और सर्विसेज जो मल्टीपल और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज ओपन करता है, जैसे फंड रेजिंग, एसेट मैनेजमेंट, गवर्नेंस प्रोसेसेस और भी बहुत कुछ। मेन बेनिफिट जो डाओस को पॉलकाडॉट इकोसिस्टम से होगा वो है मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करना, जैसे इनवॉच नेटवर्क करता है जो कि एक लेयर वन ब्लॉकचेन है। इनवॉच एक मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको सिर्फ पॉलकाडॉट इकोसिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक बैकबोन की तरह काम करता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस और भी दूसरे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। इनवॉच नेटवर्क पर डाओस एसेट्स स्टेक कर सकते हैं। एसेट्स मैनेज करना मल्टीपल चेन्स पर और ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करना, वो भी बिना गैस फीस को रिपीट किए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इफिशियंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाओस के होने से पॉलकाडॉट इकोसिस्टम में सैटर्न की वजह से होगा, जो कि एक इनवॉच का मल्टी चेन मल्टी सिग प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल अलाउ करता है डाओस को अपने एसेट्स मैनेज करना मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के बीच सिर्फ एक सिंगल मल्टी सिग्नेचर अकाउंट से। सैटर्न के थ्रू डाओस अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकते हैं अपने सभी एसेट्स को एक जगह मल्टी सिग अकाउंट पर रखते हुए। ये ना ही सिर्फ एसेट मैनेजमेंट को आसान बनाएगा बल्कि पॉलकाडॉट इकोसिस्टम में न्यू एप्लीकेशंस और यूज केसेस को भी राइट डायरेक्शन देगा। चलिए इनवॉच नेटवर्क के कुछ की कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हुए इस नेटवर्क को फर्दर स्टडी करते हैं। सबसे पहला की फीचर है कि ये प्लेटफॉर्म मल्टी चेन अकाउंट प्रोवाइड करता है, जो यूजर्स को अपने एसेट्स मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पर मैनेज करना अलाउ करेगा एक सिंगल अकाउंट से ही, जिसका मतलब है अब आपको मल्टीपल एड्रेसेस याद रखने की जरूरत नहीं होगी। गैसलेस ट्रांजेक्शंस, एक ब्लॉकचेन पर किए जाने वाले हर एक्शन के लिए यूजर्स के थ्रू पे की गई ट्रांजैक्शन फीस को एलिमिनेट करते हुए ये नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पर गैसलेस ट्रांजैक्शंस जैसे फीचर को इनेबल करता है। इनवॉच नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस को डाओ स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना, ट्रेजरी से ऑटोमेटेड इनकम फ्लोस को भी मैनेज करना पॉसिबल बनाता है। इसके अलावा इनवॉच ऑनचेन गवर्नेंस सपोर्ट करता है, जो कम्युनिटी मेंबर्स को ब्लॉकचेन पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करने की पावर देता है। ऐसा करना डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को बैलेंस रखता है। इनवॉच नेटवर्क सपोर्ट करता है डायनामिक मेंबर्स का मल्टी सिग्नेचर ट्रांजैक्शंस पर कस्टमाइजेबल रूल्स और परमिशन सेट करना। इस फीचर पर डिटेल स्टडी हम सैटर्न प्लेटफॉर्म को जानते हुए करेंगे, जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है। इन सभी से अलग एक फीचर बहुत ही इनोवेटिव और आई कैचिंग होने वाला है, जो है इनवॉच का ब्रिजलेस मल्टी चेन एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। इस फीचर से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सभी एसेट्स को मैनेज कर सकेंगे जो भी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर होंगे। अब पुराने एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन की तरह नहीं, जहां हर एक ब्लॉकचेन के लिए डिफरेंट ब्रिजिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, इनवॉच नेटवर्क की ये ब्रिजलेस अप्रोच इनेबल करेगी सिंपल एसेट मैनेजमेंट और इंटरऑपरेबिलिटी पॉलकाडॉट इकोसिस्टम के किसी भी पैराचेन से। तो देखा आपने पॉलकाडॉट इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए और डैप्स या डाओस के अडॉप्शन के लिए इनवॉच की क्या इंपॉर्टेंस है। इनवॉच के ये सभी फीचर पॉलकाडॉट इकोसिस्टम में एक पावरफुल टूल होंगे और डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। पॉलकाडॉट का फ्यूचर इन डाओस डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से बहुत ब्राइट है। द फ्यूचर ऑफ डाओस इन पॉलकाडॉट इकोसिस्टम और इनवॉच नेटवर्क बेस्ड इस वीडियो में इतना ही। पॉलकाडॉट डेवलपमेंट और इकोसिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्राइब डॉट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।